नमस्कार दोस्तों। तो हमारी पांच प्रश्नों की श्रृंखला का आज पांचवा दिन है और आज के जो पांच प्रश्न हैं वो इस तरह से हैं, और इन पांच प्रश्नों के बाद में फिर हमने जो कल चौथे दिन के हमारे पांच प्रश्न थे उनके आंसर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आज हमारा जो है एक वीडियो आने वाला है कि भारत और अमेरिका जो है दुनिया में किस तरीके की साझा रणनीति, वैश्विक व्यवस्था में किस तरह के सुधार और किस तरह का दृष्टिकोण चाहते हैं, कैसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं, इस पर जो है एक वीडियो आएगा जो कि उन दोनों के जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट से निकाले गए पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वैश्विक व्यवस्था में किन किन बिंदुओं पर दोनों ही देश जोर दे रहे हैं। तो ये हैं आज के हमारे पांच प्रश्न और आज पांचवा दिन है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में कौन कौन से शहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है? पहला तांता, दूसरा जकाजिक, तीसरा सिकंदरिया, चौथा अकाबा। तो आपको बताना है कौन कौन भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है, विकल्प आपके नीचे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला कथन है, मिस्र के दक्षिणी भाग से होकर जाने वाली मकर रेखा गिल्फ अल कबीर के पठार से होकर नहीं जाती है। दूसरा कथन है, मिस्र को नील नदी का वरदान तब कहा गया जब उस पर वर्ष 1971 में आसवान बांध के निर्माण द्वारा एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ। तीसरा कथन है, इजराइल का शहर तेल अबीब मिस्र की सीमा से लगे गाजा क्षेत्र का भाग है। और चौथा कथन है, तोस्का झील नदी के बाएं तरफ पर जबकि कारून झील दाएं तरफ स्थित है। तो आपको बताना है कितने कथन सही हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में, इसमें बताना है आपको कितने कथन सही हैं। वर्तमान समय में मिस्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है लेकिन गोवा की आबादी से अधिक है। दूसरा कथन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। तीसरा कथन है, स्वेज नहर के दक्षिणी भाग पर कोई बंदरगाह नहीं है। और चौथा कथन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में आ चुकी थी परंतु औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई। तो कितने कथन सही हैं आपको ये बताना है। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही नहीं है। पहला कथन, भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई परंतु अमेरिका ने भारत में संविधान के निर्माण हेतु गठित अंतरिम सरकार के समय ही अपने दूतावास को भारत में स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। दूसरा कथन है, भारत में पहली अंतरिम सरकार का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किया गया था। तीसरा कथन है, भारत अमेरिका ऊर्जा संवाद का आरंभ वर्ष 2005 में हुआ तथा ऊर्जा क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी का आरंभ वर्ष 2018 में हुआ था। और चौथा कथन है, स्वच्छ ऊर्जा साझा रणनीति के अंतर्गत चार मुख्य स्तंभों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को अगले 40 वर्षों में धीरे धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही नहीं है। उसके बाद अंतिम और पाँचवा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला कथन है, प्रायः समाचारों में रहने वाला शब्द कोडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य हिस्सा है। बी, अमेरिका द्वारा पारित इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जलवायु एवं ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा निवेश करेगा जो भविष्य में कल्पित जस्टिस 40 कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सी, अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण का परिमाण उसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत से भी ऊपर चला जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये हमारे आज के प्रश्न हैं। आप स्क्रीन पॉज करके इनको देखिएगा, इनका आंसर सोचिएगा। आइए अब हम लोग जो है जो हमारे कल के क्वेश्चन थे चौथे दिन के पांच, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए आज एक थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि चार दिन से हम लोग जो है क्वेश्चन इंग्लिश में डाल रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी में डालिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इंग्लिश जो है उन्हें उतना अच्छा समझ में नहीं आती। तो मैंने सोचा प्रश्नों के रूप में, प्रश्न तो कोई भी जो है हल कर सकता है और हिंदी तो हम लोगों की साझा भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रश्न जो है आगे से मैं समय के साथ थोड़ा प्रयास करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहें। तो अभी आज के लिए जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा में है। आइए हम लोग जो है कल के जो प्रश्न थे उनके उत्तर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थे हमारे कल के प्रश्न चौथे दिन के।
तो पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट गिवन बिलो अबाउट जस्टिस 40। तो जस्टिस 40 के बारे में मैं आपको सीधा बता देता हूँ पहले कि जस्टिस 40 जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बिडेन का विजन है कि जो भी हम क्लाइमेट या एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे अपने बजट से और उससे जो भी प्रॉफिट या जो भी एडवांटेज होंगे तो उनका जो शेयर होगा 40% उसको आम जनता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, पहला विकल्प था इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। बी इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ जीपे, जीपे का भी नहीं है। सी इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट टू डिलीवर 40% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन क्लाइमेट एंड एनर्जी इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो इसमें सी ऑप्शन सही था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएलआई स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएलआई स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था। तो पहला कथन था द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए नोडल एजेंसी विच शैल एक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। मीन्स इसको जो एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी और वो जिम्मेदार होगी इसके सेक्रेटेरियल मैनेजरियल सपोर्ट के लिए, और साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स दोनों के निर्देशन के अनुसार काम करेगी, जो कि इसे समय समय पर दोनों मंत्रालय करेंगे। तो ये विकल्प जो है ये गलत है क्योंकि ये दोनों मंत्रालय पीएलआई स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिएगा कि कौन सा मंत्रालय है जो पीएलआई स्कीम को चला रहा है। बी द स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड एन इंसेंटिव ऑफ 4% टू 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड कवर्ड अंडर टारगेट सेगमेंट्स टू एलिजिबल कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इन इट्स फेज वन। ये स्टेटमेंट सही है। पहला फेज जो था उसमें 4-6% का इंसेंटिव था इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर और बेस ईयर था उसके लिए 2019-20, क्योंकि 2019 में ही जो है पहली बार पीएलआई स्कीम्स को लाया गया था इलेक्ट्रिक सेक्टर के लिए। तीसरा विकल्प देखिए आप, फॉर एमएसएमई कैटेगरी फाइनेंशियल एलोकेशन विल बी 1000 crores, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सिडबी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर द पीएलआई स्कीम। ये भी ठीक है। और चौथा, द स्कीम हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड फॉर एविएशन सेक्टर बट वाइट गुड्स मेटल्स एंड माइनिंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्कीम। तो कल हम लोगों ने जो है जब डिस्कस कर रहे थे पीएलआई स्कीम के बारे में तो वहाँ हम लोगों ने बात की थी कि 13 sector के लिए ये स्कीम लाई गई है और एविएशन भी उनमें एक सेक्टर था। तो डी भी गलत है। तो आप देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों इसमें पीएलआई स्कीम के बारे में गलत था। तो पहला स्टेटमेंट भी देखिए गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। तो ए और डी दोनों ही गलत हैं, इसमें विकल्प नहीं दिए हुए थे नीचे। उसके बाद आप देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि स्टेटमेंट्स को पढ़ना है पहले। तो पहला है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास बाय अमेरिकन कांग्रेस इज फोकसिंग ऑन कटिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू मेक ए सरप्लस ईयर फॉर फेडरल गवर्नमेंट। ये सही है, हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इसलिए लाए हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार के ऊपर राष्ट्रीय कर्जा बहुत है और बहुत ज़्यादा निवेश वो लोग करते हैं अपनी अपनी जीडीपी में, सॉरी अपनी इकोनॉमी में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नेशनल डेब्ट होने की वजह से इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेके आए हैं ताकि जो है सरप्लस ईयर में इसको बदल सकें। सरप्लस ईयर का मतलब ये है कि वो साल जिस वो बजट का साल जिसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किए जाने वाला जो पैसा है वो कम होता है उसके द्वारा की गई राजस्व उगाही से। उसके बाद दूसरा, इनेक्ट्स हिस्टोरिक डेफिसिट रिडक्शन टू फाइट इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तीसरा, लोअर्स एनर्जी कॉस्ट इंक्रीजेस क्लीनर प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस बाय रफली 40% बाय 2030। तो हमने आपको बताया था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के बारे में कि ये जो है क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और इसका यही टारगेट है कि 2030 तक 40% जो है कार्बन एमिशंस को कम किया जाए और क्लीनर प्रोडक्शन जो है एनर्जी का उसको बढ़ाया जाए और एनर्जी कॉस्ट कम हो। तो इसमें आप देखिए
पहला स्टेटमेंट भी सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीन स्टेटमेंट इसमें सही है। चौथा था हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग अबाउट ब्रेक थ्रू एजेंडा, तो ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में कौन से विकल्प सही नहीं है, नहीं गलत नहीं है, मतलब कौन से सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए हमारा था, ब्रेक थ्रू एजेंडा लॉन्च्ड बाई ए कोलिशन ऑफ 45 वर्ल्ड लीडर्स हुज कंट्रीज कलेक्टिवली रिप्रेजेंट ओवर 70% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एट द COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो COP26 का लीडर समिट था तो उसमें ही 45 देशों ने मिलकर के ये ब्रेक थ्रू एजेंडा लॉन्च किया था और वो 45 देश मिलकर के जीडीपी का 70% कवर करते हैं एट द सॉरी एट हाँ ठीक है 70% कवर करते हैं जीडीपी का। देखिए ऐसे ही आप G20 को आप देखते होंगे तो G20 जो है 85% कवर करता है दुनिया की जीडीपी का। दूसरा देखिए, द ब्रेक थ्रू एजेंडा इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान टू हेल्प की 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन रीच। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो इसीलिए लाया गया है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। तीसरा, ग्लासगो ब्रेक थ्रूज कवर्ड 5 की एमिटिंग सेक्टर्स दैट टुगेदर रिप्रेजेंट मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेक थ्रू एजेंडा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्लासगो ब्रेक थ्रू जो है इन्हीं ब्रेक थ्रू एजेंडा को ही बोला जाता है क्योंकि ग्लासगो समिट में ही जो इन्हें लाया गया था, COP26 जो है वो ग्लासगो में हुआ था और उसी में ब्रेक थ्रू एजेंडा आया, तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट सही था, तीसरा गलत है। चौथा देखिए, लीडर्स एग्रीड एट COP26 टू रिव्यू प्रोग्रेस एनुअली एंड एक्सप्लोर प्रायोरिटी इंटरनेशनल एक्शंस नीडेड टू एक्सीलरेट टुवार्ड्स द ब्रेक थ्रूज इन्फॉर्म्ड बाई एन एनुअल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट फ्रॉम IEA, IREANA एंड UN हाई लेवल कमीशंस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि COP26 में जो लीडर्स थे जो ब्रेक थ्रू एजेंडा लेकर के आए वो इस बात पे सहमत हुए कि वार्षिक तौर पर जो है प्रगति का मूल्यांकन करेंगे एक रिपोर्ट के द्वारा, और वो रिपोर्ट जो है ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के, मतलब तीन ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन और जो UN के हाई लेवल चैंपियंस हैं और UN की जो संस्थाएं हैं ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित या वैश्विक विकास से संबंधित या संधारणीय विकास से संबंधित, तो वो लोग मिलकर के जो रिपोर्ट लाएंगे उसके आधार पर वार्षिक तौर पर मूल्यांकन के लिए सहमत हुए। तो ये कथन भी सही है। ब्रेक थ्रू एजेंडा देखिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं 2024 के लिए। पांचवा स्टेटमेंट था, द इनॉग्रल ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर वार्निंग दैट एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन गैप थ्रेटन्स टू डिले नेट जीरो बाई डिकेड्स एंड एट COP27 कंट्रीज रिस्पॉन्डेड टू दीज रिकमेंडेशंस विद अ पैकेज ऑफ 28 प्रायोरिटी एक्शंस टू डिकार्बनाइज द पावर रोड ट्रांसपोर्ट स्टील हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन लाइन विद द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये जो चौथा कथन है कि वो जो रिपोर्ट आई थी उनकी जो IEA, IREANA को बनाना था, तो उनकी जो पहली रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बोला कि जो कोलेबोरेशन है कंट्रीज़ के बीच में वो इतने सक्षम नहीं है कि ब्रेक थ्रू एजेंडा के टारगेट्स को पा सकें, तो COP26 में तो ब्रेक थ्रू एजेंडा आए ही थे, एक साल बाद रिपोर्ट आती है तो एक साल बाद रिपोर्ट आई और COP27 में इस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट आया, जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया था उसके बेसिस पे सारे देशों ने मिलकर के 28 एक्शंस को टारगेट किया कि हम जो है 28 प्रायोरिटी एक्शंस ये रखेंगे और इसके बाद हम लोग जो है इन एक्शंस के थ्रू ब्रेक थ्रू एजेंडा को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से पांच स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट जो है गलत था। तो हमें बताना था कितने स्टेटमेंट गलत नहीं है यानी सही है, तो चार स्टेटमेंट ऑप्शन पी आंसर होगा इसका पी। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लिए और आज के पांच क्वेश्चंस भी आपको मैं पहले दे चुका हूँ और लगातार आप लोग देखते रहिए, करते रहिए क्योंकि बूंद बूंद से ही जो है घड़ा भरता है। और आप खुद ही देखिए आज हमारा पाँचवा दिन है और हम लोग 25 क्वेश्चन में कम से कम जो है 30 से 35 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप आगे अपने किसी दोस्त अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, रोज़ इस तरीके से अपने अभ्यास को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप जो है आगे और क्या चाहते हैं। तो फीडबैक जो आप देंगे तो फीडबैक से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और काम करने का, और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊँगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आज हम लोग जो है डीपनिंग स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया यूएस के ऊपर बातचीत करेंगे कि दोनों ही देश जो है विश्व व्यवस्था में कैसा दृष्टिकोण या कैसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं और साझे तौर पर क्या क्या पहल अपनाएंगे एक साझा विश्व व्यवस्था बनाने के लिए। धन्यवाद।